मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमारे उत्तर भारतीय समाज ने दूध में शक्कर की तरह अपने आप को समाहित कर लिया, और आज हम लोग ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से आए हुए सारे हमारे बहन और भाई जो यहाँ पर रहते हैं, इस मुंबई के महाराष्ट्र के विकास में एक अपनी भूमिका, एक अपना योगदान दे रहे हैं। और वैसे तो अब तीन तीन पीढ़ी होने के बाद ये भले ही मूल उत्तर प्रदेश के रहे होंगे, लेकिन योगी जी अब ये उत्तर प्रदेश ही नहीं रहे, ये सब बम्बैया हो गए हैं, ये सब हमारे महाराष्ट्रियन हो गए हैं। और इसलिए मैं इनकी सबकी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये महोत्सव जो हमारे भाई अमरजीत मिश्र जी ने शुरू किया, आज इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और इसके माध्यम से हमारी जो संस्कृति है, जो उत्तर भारत की, उत्तर प्रदेश की संस्कृति है, उस संस्कृति को सभी के सामने जीवित करने का प्रयास, उसको लाने का प्रयास, और उस संस्कृति की जो मिठास है, उस मिठास को आप तक पहुंचाने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा कार्यक्रम है, आदरणीय रामभाव जी के अगुवाई में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अभिनव उपक्रम आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से शुरू किया। और आज चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम वहां पर हम लोग लेते हैं। अभी मैं वाराणसी गया था, और वाराणसी में आदरणीय रामभाव जी ने गीत रामायण का कार्यक्रम आयोजित किया था, एक ऐसा अमर कार्यक्रम जो गदी माड़गुलकर और बाबूजी के अवसर पर गीत रामायण को उत्तर प्रदेश के चार प्रमुख शहरों में ले जाने का काम रामभाव जी और योगी जी ने वहां पर किया। और इतने बड़े पैमाने पर वहां पर बसने वाले, चाहे वो मराठी लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हो, वे सारे लोग गीत रामायण को सुनने के लिए आए। वैसे भी मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की भूमि हम सभी के लिए वंदन की भूमि है, क्योंकि राम और कृष्ण जिन्होंने इस भारत को एक सूत्र में बांधा, राम की भूमि और कृष्ण की भूमि, ये दोनों भूमि उत्तर प्रदेश की है। लेकिन जब राम को वनवास में जाना पड़ा तो उत्तर प्रदेश से निकले और वे महाराष्ट्र में आए, और एक बड़ा समय उन्होंने नासिक में व्यतीत किया। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि वो है, तो प्रभु श्री राम ने एक अपने जीवन का बड़ा समय इस महाराष्ट्र में नासिक से लेकर रामटेक तक सारे जगह पर उन्होंने व्यतीत किया है। और इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि उसी रिश्ते को, उसी बंधन को हम लोग फिर एक बार उसी बंधन में बनने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर उसी संस्कृति को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है, पिछले 4.5 वर्षों में इस महाराष्ट्र में हमारी सरकार आने के बाद कुछ लोग जो पहले सांप्रदायिकता फैलाते थे, हमारे जानबूझकर उत्तर भारतीय, हमारा जो समाज है उसको डराने की, धमकाने की कोशिश करते थे, लेकिन पिछले 4.5 सालों में किसी ने धमकाने की कोशिश नहीं की। और अगर किसी ने कोशिश की तो उसको उसकी जगह हमने दिखाई, क्योंकि एक भारत है, ये श्रेष्ठ भारत है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर केवल महाराष्ट्र का दिल धड़कता है, महाराष्ट्र में आपदा आती है तो उत्तर प्रदेश का दिल धड़कता है। हम सब लोग एक साथ मिलकर इस भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत श्रेष्ठ भारत बनकर रहेगा। और उसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। फिर एक बार हम सभी की ओर से राज्यपाल जी का और योगी जी का स्वागत करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो कहिए, देवेंद्र जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोर से आवाज नहीं आई,
देवेंद्र जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का आभार मानता हूं, धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं आशीष जी से निवेदन करता हूं कि भगवान राम की रामायण वो हमारे अतिथियों को भेंट करेंगे। रामायण